अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे, फिट फाट होंगे। मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। ताज़ा तरीन अपडेट्स, लेटेस्ट न्यूज़ आपकी खिदमत में लेकर आया हूं। इस रिपोर्ट में उस पर बात करेंगे। आज वार्म अप मैच खेला गया बांग्लादेश वर्सेस आयरलैंड और आयरलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 170 का टारगेट दिया बांग्लादेश की टीम को, लेकिन बांग्लादेश की टीम रेत की दीवार साबित हुई, सिर्फ 144 रन्स बना पाई 144 और 33 रन से फतह समेटी आयरलैंड ने और पूरी टीम बांग्लादेश की सिर्फ 144 रन्स पर आउट हो गई। इस पर तफसीली डिटेल के साथ व्यूअर्स बात करेंगे। और आज फिर मुशफिकुर रहीम, जो सीनियर तजर्बाकार बैट्समैन हैं, वो नाकाम हुए। आज फिर उनकी बैटिंग, उनका बल्ला रन्स नहीं उगल सका। सोहान ने फिर साबित कर दिया है, आज नूरुल हसन ने बहुत ही अच्छी बैटिंग की, उसने क्विक फायरिंग की, लंबे लंबे छक्के मारे उन्होंने, लेकिन वो किसी काम नहीं आए। खैर, बांग्लादेश ये मैच, दूसरा जो वार्म अप मैच है, पहले इनका मैच था वो भी हार गए और अब ये मैच, वो दूसरा वार्म अप मैच, वो भी विवर्स हार चुके हैं। श्रीलंका ने जिस तरह हराया वो आपने देखा, और आज आयरलैंड की तरफ से जो जारहाना बैटिंग की गई, छक्के और चौके, उनके एक प्लेयर ने 70+ रन्स बनाए। तो विवर्स, ये आखिर ऐसा क्यों हुआ? बांग्लादेश की तरफ से इस तरह से नाकस कारकर्दगी क्यों दिखाई गई? अब बढ़ते हैं जी आगे स्टोरी की तरफ। अगर अभी तक आपने एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, लाइक करना नहीं भूलना, लाइक भी कीजिएगा। इस पर तफसीलन बात करते हैं, आपको बताते हैं कि अब बांग्लादेश की मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए। जी हां, देखें, मुशफिकुर रहीम से जितनी जल्दी हो सके बांग्लादेशी टीम को उससे जान छुड़वाएं, उनको मजीद मैच ना खिलाएं, क्योंकि वो आउट ऑफ फॉर्म है, उनकी फॉर्म बहाल नहीं हो रहे, वो इन फॉर्म बैट्समैन इस वक्त नहीं हैं, वो मुसलसल लगातार नाकाम हो रहे हैं। तो लिहाजा मुशफिकुर रहीम की जगह सोम्यो सरकार को रखें आप, या किसी और बैट्समैन को ले आए जो स्कॉटलैंड के खिलाफ 17 अक्टूबर को मैच है, ताकि वो अच्छी परफॉर्मेंस दे सके। अगर आप इसी तरह मुशफिकुर रहीम बार बार चांस लेते रहे, मुशफिक के दौरान मुशफिक को आप खिलाते रहे, लेकिन मुशफिक परफॉर्मेंस ना दिखाते रहे, तो ये लॉस किसको हो रहा है? बांग्लादेश की टीम को हो रहा है। बांग्लादेश की जो टीम मैनेजमेंट है, वो मेरे ख्याल में ये चाहती है कि ये सीनियर तजर्बाकार बैट्समैन है और एक्सपीरियंस भी काफ़ी है 10-15 साल का, तो मेरे ख्याल में इसको खिलाएं, शायद किसी मैच में चल जाए। ऐसे नहीं होता क्रिकेट में, जो परफॉर्म करेगा वो सर्वाइव करेगा, वो ही खेलेगा। अब मुशफिकुर रहीम को स्कॉटलैंड के खिलाफ जो 17 अक्टूबर को पहला मैच है क्वालिफाइंग, मेरे ख्याल में उसमें नहीं खिलाना चाहिए मुशफिक को उसमें ना खिलाएं। पहला मैच है, बड़ा मैच है, उसमें आपके कैप्टन मोहम्मदुल्ला भी आ जाएंगे, साकिब भी आ जाएगा और साथ साथ आपकी फुल फ्लैज टीम खेलेगी, तो उसमें आप मुशफिक की जगह सोम्यो को ही रखें या किसी और खिलाड़ी को रिप्लेस कर दें, लेकिन आप मुशफिक को खुदारा ना खिलाएं। तो फिर इससे यह होता है कि जब आपका एक बैट्समैन आउट होता है तो बाकी टीम के ऊपर प्रेशर बिल्ड होता है। आपका अगर मिडिल ऑर्डर नहीं चलता, लोअर मिडिल ऑर्डर आकर अगर रन्स बनाए। अच्छा, एक और पॉइंट भी है, मैं वो भी आपके सामने रखता हूं। आप नूरुल हसन सुहान को इतना नीचे क्यों खिला रहे हैं? ये एक सवाल है, सवाल यह निशान है। नूरुल हसन सुहान को आप 6वें-7वें नंबर पर लेके आ रहे हैं, 5वें, उसको नीचे लेके आए यार, ऊपर लेकर जाए, उसे 3रे नंबर पर लेके आए। पता है वो बंदा हार्ड हिटिंग कर रहा है इस वक्त, उसने ओमान ए टीम के खिलाफ भी हार्ड हिटिंग की, छक्के चौके मारे और 49 रन्स बनाए, आज भी उसने अच्छा खासा स्कोर रन्स बनाया है, तो उसको आप ऊपर लेकर आएं, 3रे नंबर पर खिलाएं, 2रे नंबर पर लेकर आ जाएं, 4थे नंबर पर ले आएं, लेकिन यह समझ नहीं आता आप उसे 5वें-6वें-6वें नंबर पर क्यों लेकर आ रहे हैं। लोअर मिडिल ऑर्डर की क्या जरूरत है? वो अगर स्कोर बना रहा है उसको ऊपर खिलाएं। और दूसरी बात मैं ये भी आपके साथ शेयर करता चलूं व्यूअर्स, कि बांग्लादेश की टीम को अब चाहिए कि वो किस चीज का अब इंतजार कर रही है, वो अच्छा परफॉर्म करे। आज आयरलैंड के साथ मैच था, उससे भी हार गई है, तो आगे आपने स्कॉटलैंड के साथ मैच खेलना है, तो वो आपका सिर्फ एक दो प्लेयर नहीं थे,
शाकिब नहीं खेले और मोहम्मदुल्लाह नहीं खेले, बाकी तो आपकी सारी टीम अच्छी टीम थी यार, लेकिन वो आपके मुकाबले में तो आयरलैंड थी, तो आयरलैंड को तो आप इस टीम के साथ भी हरा सकते थे, लेकिन आपकी जो परफॉर्मेंस देख के तो आज काफ़ी जो फैंस हैं बांग्लादेशी क्रिकेटर फैंस हैं, जो क्रिकेट के लवर हैं, वो बहुत ज़्यादा मतलब मुतासिर हुए हैं और हैरान हो गए हैं, वो उनका दिल टूट गया है। मतलब आप कर क्या रहे हैं यार, आप बैटिंग बॉलिंग इसके साथ साथ फील्डिंग के ऊपर फोकस करें। और इसी तरह आप स्कॉटलैंड के साथ मैच है, उसमें अब देखें साकिब आ जाते हैं, साथ ही साथ मोहम्मदुल्लाह रियाद के भी चांसेस हैं, क्योंकि आज इसीलिए नहीं उनको खिलाया गया कि जो उनकी इंजरी है काफ़ी सीरियस है, तो वो नहीं चाहते कि हम बड़े मैच में बचा के रखें कैप्टन मोहम्मदुल्लाह को। अब 17 तारीख को मैच है, उसमें शाकिब होंगे, मोहम्मदुल्लाह होंगे, मुस्तफ़ीज़ुर रहमान होंगे, लेकिन आज जो बॉलिंग की बात कर लेते हैं, तस्कीन अहमद ने अच्छी बॉलिंग की है, बाकी जो मेहंदी हसन है उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है, तो बॉलिंग का जो स्लॉट है वो तो ठीक जा रहा है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं जो फेलियर नज़र आ रहा है वो बैटिंग का आ रहा है, क्योंकि बैटिंग आपकी जो वन डाउन पोजिशन है उसके साथ साथ मिडल ऑर्डर है वो फेलियर है, आप मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो चुका है, वो रन्स ही नहीं बना रहा, जिसकी वजह से टीम को काफ़ी दुश्वारी उठाना पड़ रही है, मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। फिर नीचे जो बैट्समैन आते हैं लगातार जो नंबरिंग आती है वो ठीक एडजस्ट नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से ये मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। और दूसरी जो व्यूअर्स खबर आ रही है कि मुशफी जो साकिब हैं वो 14 तारीख जो कल 15 तारीख को अपना मैच फाइनल मैच खेल कर वापस आएंगे, क्योंकि ढाका ट्रिब्यून ने ये खबर भी ब्रेक कर दी है, और साकिब अब फाइनल खेल कर आएंगे। अब केकेआर पर डिपेंड करता है कि वो साकिब को खिलाते हैं फाइनल या फिर नहीं खिलाते, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि वो उनको ज़रूर खिलाएंगे, क्योंकि वो जो अपना विनिंग कम्बिनेशन है उसको ख़त्म नहीं करेंगे, लगातार 3 मैच जीत ली हैं साकिब के साथ, अब कैसे हो सकता है कि एक विनिंग कम्बिनेशन को आप हटाकर चेंजिंग करें, मतलब रसल को लेकर आएँ साकिब को बाहर बिठाएँ, ऐसा भी मुझे होता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। बड़े बड़े बयान आ चुके हैं, स्टेटमेंट आ चुकी हैं साकिब के बारे में, लोग क्या कह रहे हैं इस वक्त, जो अपनी ही मैनेजमेंट है केकेआर की, कलकत्ता नाइट राइडर्स की, उनके जो बड़े नाम हैं, उनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उन्होंने एक ताज़ा तरीन एक बयान दिया है, स्टेटमेंट दी है साकिब के ऊपर, वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं क्या फाइनल में भी साकिब ही खेले। जी हाँ, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो आपको इस वीडियो के बाद लेकर आ रहा हूँ, उसमें मैं मुकम्मल तौर पर डिटेल से आपको बताऊंगा और शकीब के कितने चांसेस हैं कि वो फाइनल खेलेंगे। तो व्यूअर्स, वीडियो के बारे में आपने ज़रूर बताना है, और आज की जो कारकर्दगी है, जो मैंने मेरा एनालिसिस है, मेरा मानना है, मेरी जो सोच है वो ये है कि मुशफीक को मज़ीद आप मौका ना दें, चांस इतने ज़्यादा चांसेस नहीं देने चाहिए कि बैड परफॉर्मेंस फिर टीम के ऊपर प्रेशर बनता है, वो मेन खिलाड़ी है, जैसे ही आउट होता है पूरी टीम नीचे लग जाती है, लिहाजा मुशफीक को 1-2 मैच में ना रेस्ट दें, उनको पीएनजी के खिलाफ खिला लें मुशफीक को, लेकिन पहला जो मैच है ना वो आप अपनी अच्छी टीम लेकर आएँ, प्लेइंग 11 आपकी अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग प्लेइंग 11 होनी चाहिए, क्योंकि अगर आयरलैंड आपको हरा देती है, स्कॉटलैंड भी अच्छी टीम है, तो उसके साथ तो फिर बड़ा टफ मुकाबला होगा, फिर उधर आप क्या करेंगे एक सवालिया निशान है। खैर, आप जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा एहसान रिएक्शन, इसी तरह की लेटेस्ट न्यूज़ आपके लिए लेकर आता रहूँगा और तज़िए पर मबनी खबरें। तो ये वीडियो कैसी लगी है इसके बारे में फीडबैक आपने ज़रूर देना है। देखते रहिएगा एहसान रिएक्शन, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें अपने इस चैनल का। अल्लाह हाफिज़।